ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी आज बांसूर के दयालवाली मंदिर परिसर में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व रखा गया है, जहां मौजूद पुरुषोत्तम शरण दास जी महाराज ने बताया कि द्वापर युग में महर्षि व्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी के महत्व को समझाते हुए उनको ये व्रत करने की सलाह दी। तभी से वर्ष भर की 24 एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी नाम दिया गया है। इस दिन जो व्यक्ति स्वयं निर्जल रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम जाता है। बांसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। व्रत इसलिए किया जाता है कि भाई जो औरतें 24 एकादशी ना करके एक एकादशी करे तो इसका पुण्य मिल जाता है। ठाकुर जी की सेवा सच्चे मन से करे तो भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। इसीलिए सभी औरतों को 24 ना करके एक या दो साल में जरूर करनी चाहिए। इसको निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, पांडवा एकादशी भी कहते हैं। एक बार भीमसेन जी और जब भी एकादशी घर में आती थी तो झगड़ा होता था, तो एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, तो सभी भाई व्रत करते थे एकादशी का। और ये व्रत नहीं करते, कहते थे मुझे भूख बहुत अधिक लगती है, मेरी जठरांगनी तेज है, इसलिए मैं तो भूखा नहीं रह पाऊंगा। और आप कहो कुछ श्रद्धा पूर्वक पाठ पूजा कर ले, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे पे व्रत नहीं होगा। तो एक दिन व्यास जी ने कहा कि देखो भीमसेन एकादशी माह में दो एकादशी आती हैं, एकादशी का नहीं खाना चाहिए, एकादशी तो करना चाहिए। अगर आप स्वर्ग को अच्छा नरक को बुरा समझते हो, जानते हो, तो आपको जरूर एकादशी करना चाहिए।